आज के इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों का मैं जवाब देने वाला हूँ बहुत आसान भाषा में। जब आप रेकी हीलिंग करते हो, लाओ फेरा हीलिंग करते हो, क्रिस्टल हीलिंग करते हो या जो भी हीलिंग मॉडलिटीज को यूज करते हो, तो उस टाइम पर जब आपको एकदम से कोई क्लाइंट की नेगेटिविटी फील हो या फिर आप अपना खुद का या दूसरे का हीलिंग कर रहे हो, तो हीलिंग करते करते समय एकदम से आपका माइंड विचलित हो जाता है, आपको घबराहट होने लगती है, आपको बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस फील होने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मैं थक रहा हूँ, मुझे अंदर से काफी थकावट होना फील हो चुकी है। बहुत कभी कभी कुछ क्लाइंट की कंप्लेन आती है कि सर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे में, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, क्या मेरी हीलिंग पावर कम हो जाती है, व्हाट्स द रीजन। ये सारे सवाल का मैं इस वीडियो में शांति से जवाब देने लगा। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आपको कंटिन्यूसली आप लगे हो एकदम से ध्यानस्थ अवस्था में हो, किसी और को हील दे रहे हो, जैसे हम एवरीडे बहुत सारे क्लाइंट को हीलिंग करते रहते मेरी टीम के साथ, तो कभी कभार ऐसा होता है, तो एक तो सबसे पहले आपकी खुद की साधना तो इंप्रूवमेंट है, आपके सारे चक्र बैलेंस में सब कुछ प्रॉपर लेवल पर है, आपकी ओरा लेवल रोज का हीलिंग साधना भी बहुत अच्छे से करते हो, पर फिर भी सामने वाले की नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमें तुरंत इफेक्ट हो जाती है, हमारी ओरा को डिस्टर्ब कर देती है, हमारे वाइब्रेशन को हचमचा देती है। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है कि अब मैं क्या करूं, आपको अंदर से वॉमिटिंग जैसा फील होता है, सिर भारी हो जाता है, आपको पेन होने लगता है, ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है, तो सबसे पहले सिंपली आपको उसके कॉर्ड्स कटिंग क्लियर कर दें, यानी कि आपको कोई भी लेफ्ट या राइट हैंड से आपको क्या करना है, कट 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 तीन बार, आपकी नाभि जो है वहां आपका उसका कनेक्टिविटी होता है, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हो तो उसके साथ कनेक्टिविटी तो होता ही रहता है, तो आप कट 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 तीन बार कट करो और विजुलाइज करो कि उसके साथ जो भी कनेक्शन था मेरा कट हो चुका है। कुछ टाइम के लिए उसे डिस्कनेक्ट रहो, जस्ट 5-7 मिनट्स ओनली, उसके बाद आप रेकी हीलिंग या जो भी हीलिंग मॉडलिटीज कर रहे हो, बुद्ध भगवान की है या जो भी थेरेपी, उसमें आप जो भी ईश्वर को मान रहे हो उस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे परम पिता, हे एनर्जी, हे वाइब्रेशंस, हे यूनिवर्सल पावर, प्लीज आप मुझे हील कीजिए थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं एनर्जाइज हो जाऊं, मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो कट आउट कीजिए, रिलीज करते जाइए। और साथ साथ में आप ये भी बोलिए, कोई भी गुरु मंत्र या फिर जैसे हम मृत्युंजय मंत्र है या फिर अदर अदर हीलिंग थेरापीज के जो मंत्र है, या फिर जैसे रेकी कर रहे तो से ही की चोकुरे, ऐसे कोई भी सिंबल्स का भी साथ में चैंटिंग कर सकते हो और अपने आप पर हीलिंग लेना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो आप 5-7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट हीलिंग लीजिए, तो आपके अंदर से जो कंपन है, जो नेगेटिविटी है, जो घबराहट है, वो ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाएगी। कई बार ऐसी होती है कि जब हम ब्लैक मैजिक रिमूव करते कोई व्यक्ति का, उस टाइम पर एकदम से नेगेटिविटी आती है तो आपको एक धक्का सा लगता है, ऐसा फील होता है कि ओहो मेरे अंदर से कुछ नेगेटिविटी ज्यादा आ गई, आपका माइंड विचलित हो जाता है, ऐसा हुआ है सम ऑफ द रीजन। आपको उस व्यक्ति को हीलिंग करना कंटिन्यू नहीं रखना कि आपको बोला कि मैं हीलिंग कर रहा हूं तो अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, ये है वो, आपको थोड़ी देर के लिए कॉर्ड कटिंग कर देना है, उसके बाद उसके आपको खुद के ऊपर कंटिन्यूसली हीलिंग लेनी है। आप खुद के ऊपर कंटिन्यूसली हीलिंग लेंगे तो आपका खुद का बॉडी एनर्जाइज होना वापस शुरू हो जाएगा और जहां भी जो भी नेगेटिविटी कहीं भी अटकी हुई होगी वो क्लियर हो जाएगी, स्प्रेड्स हो जाएगी। और वो होने के बाद आपको सिंपली दोनों हाथ खुले रख के, आंखें बंद करके आपको वाइब्रेशंस कंटिन्यूसली लेते जाओ, और जब तक आपका मन शांत ना हो, एनर्जेटिक ना हो, रिफ्रेशिंग ना हो, पॉजिटिव फील ना हो, तब तक उसको लेते जाओ। 15 मिनट में या 10 मिनट में आराम से रिलैक्स हो जाओगे, विद इन 5-7 मिनट्स में भी आराम से हो जाओगे, फिर आप वापस उसको जो प्रोसेस आपकी चल रही थी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, इतना करोगे आराम से उस व्यक्ति की नेगेटिविटी आपके अंदर से तुरंत निकल जाएगी, क्योंकि तुरंत आपने एक्शन लिया है, इसकी वजह से तुरंत आपने एक्शन ले लिया है, उसकी वजह से अंदर स्पोर्ट्स रिजल्ट मिलेगा और फाइनल रिजल्ट भी आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के आने वाले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, हमें हमारी बॉडी ड्रेन हो जाती है, कई बार हमें प्रॉपर पावर हम कंजर्व नहीं कर पाते, तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम ऑन द स्पॉट अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।